चलिए बात करते हैं इस मुद्दे की जो कि पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है और ये मुद्दा है बॉलीवुड स्टार्स का दिवाली पर कमेंट्स को लेकर, जिसमें राजपाल यादव और अमीषा पटेल की खूब ट्रोलिंग हुई थी। अब विवाद बढ़ने के बाद राजपाल यादव ने एक नया वीडियो जारी किया और अपने बयान पर माफी मांगी। पहले दिवाली पर बयान। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। फिर मांग ली माफी। देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये माफी कब मांगेंगे? प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को भी रोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। बॉलीवुड के सितारों की मानो आदत है कि पहले बयान दो, विवाद खड़ा करो और फिर माफी मांग लो। और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। जब देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आया तो बॉलीवुड का गैंग बाहर आ गया और इस पर बयानबाजी करने लगा। वो भी एक नहीं बल्कि दो दो कलाकारों ने लोगों को पटाखे न जलाने की सलाह दी, जिसमें अमीषा पटेल और राजपाल यादव शामिल थे। लेकिन इनमें से एक को एहसास हो गया कि आखिर उससे क्या गलती हुई थी। जिन फैंस की बदौलत वो स्टार बने हैं, उन्हीं फैंस ने जब आलोचना की तो माफी मांगने लगे। हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जिन्होंने इस दिवाली बिना पटाखे वाली मनाने की अपील की थी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है, इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। इस बयान के बाद उनकी ट्रोलिंग होने लगी, जिसके बाद अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल राजपाल के पहले वीडियो डाले जाने के बाद लोगों ने उन पर सवाल उठाए थे। उनके पुरानी वीडियो जिसमें वो नॉनवेज बिरयानी खाते दिखे थे, उन पर कमेंट करना शुरू कर दिया था। लगातार हो रही आलोचनाओं के बाद राजपाल ने अपना वो वाला वीडियो डिलीट कर दिया और नया वीडियो शेयर किया। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना। राजपाल ऐसे अकेले नहीं है जिन्होंने इस साल पटाखों को लेकर बयान दिया। अमीषा पटेल ने भी ऐसी ही अपील की थी। दिवाली में बहुत से लोगों को जलाया है, फटाके फोड़ फोड़ के अपने आप को भी बहुत इंजर किया है। लेकिन एक साल शायद जब मैं 10-11 साल की थी तो सुबह हम तैयार हुए, नहा धो के रेडी हुए और दादी माँ ने बोला चलो अब जा रहे हैं अभी फटाके खरीदने के लिए। और मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया और मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। दरअसल बॉलीवुड सितारों को लगता है कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने का मैसेज देकर उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा करके वो अपनी मेंटालिटी बताते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है किसी बॉलीवुड मूवी में ईद के सीन में बकरा काटा गया हो? लेकिन रियल लाइफ में आपने कभी सुना है कि ईद पर किसी बॉलीवुड वाले ने बकरा ना काटने की अपील की हो? लेकिन अलग अलग सेलेब्स दिवाली के मौके पर बयानबाजी करने लगते हैं। See, I can scream stop and someone can help me and you know turn off this annoying irritating sound. Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. I really want to request you all to help animals and birds by celebrating a noise-free and a pollution-free Diwali. यही वजह है कि इन स्टार्स पर डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप लगते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।